नमस्ते दोस्तों, मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष एक संदेश लेके। जैसा कि आप जानते हैं कि आज दीपावली का शुभ पर्व हम मना रहे हैं, मैं आप सबको बधाई के साथ साथ ढेरों शुभकामनाएं देता हूं कि आप ये दीपावली का पर्व बहुत अच्छे ढंग से अपने परिवार के साथ मनाएं। दोस्तों, ये पर्व हमें कई प्रकार की शिक्षाएं देता है, उसमें से एक शिक्षा है, मुझे ऐसा लगता है कि किस प्रकार अच्छाई को अपनाते हुए बुराई पर जीत हासिल की जा सकती है। दोस्तों, हम लोगों को भी ये शिक्षा श्री रामचंद्र से लेनी चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने अपने सहयोगियों का साथ लेते हुए एक विजय हासिल की। हम लोग भी इसी प्रकार से अपने स्तर पर इस सिस्टम का निर्माण कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे संदेश में आप सबको कहीं ना कहीं सबकी गलतियां को ही उजागर करते हुए दिखता होगा। लेकिन दोस्तों, तस्वीर के दो रुख होते हैं, एक रुख अच्छा हो सकता है, एक रुख खराब हो सकता है। कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही रुख देखें। दोस्तों, क्या कारण है कि हमारे गुरु और फाउंडर मैटी जी ने भी दूसरों की गलतियां निकालते हुए, यानी कि दूसरी चिकित्सा प्रणालियों की गलती निकालते हुए अपना एक सिस्टम पूरे विश्व में दिया और एक ऐसा अनोखा सिस्टम बना कि आज हम आप सब पूरे विश्व के ऊपर इस सिस्टम के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें भी ये शिक्षा लेनी चाहिए कि गलतियां निकालने का मतलब किसी की बुराई करना नहीं होता, बल्कि उसके अंदर की अच्छाई को बाहर लाना होता है। इस सिस्टम के अंदर भी कुछ ऐसा ही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमको भी इस पर्व के द्वारा, इस महान ग्रंथ रामायण से शिक्षा लेते हुए ये देखना चाहिए कि हम भी किस प्रकार से अपने स्तर पर दूसरों का सहयोग लेते हुए एक आदर्श को अपनाते हुए हम लोग भी अपने जीवन में कुछ कर सकें। दोस्तों, इस सिस्टम के अंदर कितने ही प्रकार की भ्रांतियां हैं जो कि मैं समय समय पर आप सबको बताना चाहता हूं और बताता भी आया हूं, लेकिन वो भ्रांतियां कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को कमजोर कर रही हैं और हम लोग मिलकर उस भ्रांतियों को दूर करेंगे। मैंने अपने जीवन के 30 वर्ष इस सिस्टम को दिए हैं, उसमें से 10 वर्ष मैंने अपने देश में प्रैक्टिस की है और 20 वर्ष मैंने बाहर के देशों में। दोस्तों, ये सिस्टम हमारे अपने देश का दिया हुआ नहीं है, ये सिस्टम कहीं ना कहीं हमें भारत के देशों से आया हुआ है और हमें कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही इस सिस्टम के बारे में एकजुटता या एक रूपरेखा दिखानी होगी। हमें भी ऐसा लगा और हमने 10 वर्षों पूर्व इस सिस्टम के ऊपर चलते हुए अपने नींव को मजबूत करते हुए अपनी कमियों को दूर किया और एक रूप जो कि इस सिस्टम के फाउंडर ने हमें पहले ही 150 साल पहले दे दी थी, वो सिस्टम कहीं ना कहीं वहां से अलग हटकर वो सिस्टम कहीं ना कहीं अपने ही दायरे में सीमित होके रह गया और हमने कहीं ना कहीं उस दायरे को से बाहर निकलकर इस सिस्टम की सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयों को अपनाते हुए पूरे विश्व में इस सिस्टम का परचम फैलाया। क्या कारण है कि हम भी इस सिस्टम की जो असलियत है उसको अनदेखा करते हुए सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्रे से चलते जा रहे हैं, जिसका कि परिणाम निकलना मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब एक बार फिर दोबारा से मेरे बताए हुए कुछ सुझावों को अपनाते हुए इस सिस्टम को एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमें भी मिलकर एक कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हम भी जीत हासिल कर सकें। कहीं ना कहीं ये सिस्टम के अंगली बनकर रह चुका, एक रूपरेखा ना होने के कारण इस सिस्टम को बहुत ही हानि से गुजरना पड़ा और यही कारण रहा कि ये सिस्टम, हम आज तक इस सिस्टम के बारे में अच्छी तरीके से कोई एक रूपरेखा नहीं दे सके। लेकिन हमने पिछले 10 सालों में एक रूपरेखा बनाकर जब कार्य करना स्टार्ट किया तो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा सफलता प्राप्त हुई। वो ही सफलता मैं आप सबको बताने के लिए और
दिखाने के लिए आया हूँ। दोस्तों, इसी बात से मुझे एक बात यहाँ कहनी है कि आप अपने व्यक्तिगत मतभेद को भुलाकर आप अपने व्यक्तिगत सिस्टम की रूपरेखा ना बनाकर आप इस सिस्टम की एक ऐसी रूपरेखा को फॉलो कीजिए ताकि आप अपने रोगियों का उपचार के साथ साथ आप इस सिस्टम का भी भला कर सकें। और वो तभी आएगा जब हम एक सिस्टम के बारे में इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर हम दूसरे सिस्टम के चिकित्सकों के बारे में देखें या उनके बारे में समझें तो एक चीज आपको जरूर पता लगेगी कि वो इस सिस्टम के बारे में एक ही दायरे में रहकर एक ही रूपरेखा को फॉलो करते हुए अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। हमारे सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ उल्टा हो रहा है। हर व्यक्ति ने अपने ही हिसाब से इस सिस्टम को बना रखा है। इस सिस्टम का कहीं ना कहीं अपने ही विचार से और अपने ही एक्सपीरियंस से उन्होंने इस सिस्टम की असली मूल्यों को तवज्जो ना देते हुए अपने ही मूल्यों को तवज्जो दी है। और इसी कारण से ये सिस्टम कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बात नहीं बन रही है। इसलिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि मेरे संदेशों में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर जोर दिया जाता है कि हमें ये सिस्टम की एक रूपरेखा बनानी पड़ेगी। जिस प्रकार से दूसरे चिकित्सक प्रणालियों ने अपने चिकित्सकों को एक रूप देते हुए इतना बड़ा विस्तार किया है, हम भी अपने चिकित्सकों को एक रूप देते हुए इस प्रणाली को आगे लेके जाए। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें अपने व्यक्तिगत विचार को, अपने व्यक्तिगत उपलब्धियों को एक तरफ रखकर हमें सिस्टम के ऊपर सोचना होगा। और यही कारण है कि जब मैं आपको संदेश देता हूं तो उसमें गलतियां ही नजर आती हैं। हालांकि अगर आप उस गलतियों के पीछे की चीजों को देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि वो गलतियां हमारे सिस्टम को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोक रही हैं। और इसी कारण से मैं आप सबको वो गलतियां हटाने के लिए कह रहा हूं, ना कि आप सबको किसी और रास्ते पर चलाने की बात कर रहा हूं। जिस प्रकार से इस पर्व पर हम एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं और एक ही आदर्शों को पालन करते हुए हम अपने परिवार में ये पर्व मनाते हैं, उसी प्रकार से हम लोगों को भी इस चिकित्सा प्रणाली को साथ लेकर एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम लोगों को जो असली सिस्टम की बारीकियां हैं उसको समझना होगा। और हमें कहीं ना कहीं अपने सिस्टम के बारे में ये बताना होगा कि ये सिस्टम दूसरों के सिस्टम के अनुरूप क्यों अच्छा है या क्यों अलग है। हम लोगों ने इस सिस्टम की परिभाषा को इतना ज्यादा परिभाषित कर दिया है कि मुझे लगता है कि नए लोगों को कंफ्यूजन के सिवा कुछ नजर नहीं आता। हम लोगों को अपने अपने परिभाषा छोड़कर एक परिभाषा बनानी होगी। और वो ही कारण है कि मैं आप सबके पास आया हूँ एक परिभाषा लेकर, एक ही रूल और रेगुलेशंस लेकर, ताकि आप इस सिस्टम को अच्छे से समझ सकें। ये सिस्टम को हमें 60 दवाइयों के मुताबिक ही बनाना पड़ेगा। पोस्ट जेनेरिक मेडिसिन के द्वारा ही हमें दवाइयों को देना पड़ेगा। और कैसे हम इस सिस्टम के दायरे के अंदर रहते हुए अपने रोगियों का उपचार करें। दोस्तों, तो आपको लगेगा कि ये सिस्टम बहुत ही आसान है और किस प्रकार से आप और ज्यादा इस सिस्टम के अंदर चिकित्सा करते हुए रोगियों का उपचार कर सकते हैं। मैंने इस सिस्टम को बहुत बारीकी से समझा है और पाया कि ये सिस्टम के ऊपर अब अतीत पे जाने की बजाय कि इस सिस्टम के अंदर हमारी जो भ्रांतियां या कहिए कि पहली बनाकर कुछ व्यक्तियों ने छोड़ दिया है कि इस सिस्टम के ऊपर अब कुछ नहीं हो सकता या ये सिस्टम कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं चल रहा। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ श्री राम को भी कहा था, ऐसा ही कुछ रामायण के दौरान भी कुछ बातें आई होंगी जिसको नजरअंदाज करते हुए श्री राम ने अपने सहयोगियों के द्वारा विजय हासिल की। मैं भी चाहता हूं कि ये सिस्टम के ऊपर अतीत को ना देखते हुए भविष्य को देखते हुए वर्तमान में कार्य करूं और उसमें मुझे
ऐसा लगा कि ये सिस्टम एक बहुत साइंटिफिक है, चाहे वो किसी भी प्रकार से आप समझें, लेकिन इस सिस्टम के अंदर बहुत ही अच्छाइयां हैं और हमें वो अपनानी पड़ेंगी। और किस प्रकार से हम अपना सकते हैं ये आप पर निर्भर करता है। मैं तो सिर्फ आपको संदेश दे सकता हूँ, करना या ना करना आपके ऊपर निर्भर करता है। आशा करता हूँ कि आप मेरी इन बातों को अन्यथा ना लेते हुए मेरे द्वारा दी गई सुझाव इस सिस्टम को आगे ले जाने में क्या भूमिका अदा कर सकते हैं उस पर आप विचार करेंगे और आप पहले की तरह मुझे अपना प्यार देते हुए, सहयोग देते हुए हम मिलकर कुछ ना कुछ कर सके। मुझे आप अपना सहयोग देंगे ऐसी उम्मीद के साथ मैं एक बार फिर से दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हम सब मिलकर इस सिस्टम का उद्धार करेंगे। धन्यवाद।